हेलो फ्रेंड्स, एमएसपी स्टील एंड पावर 4 महीने का चार्ट लगातार आप देखें तो एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रही है, प्राइसेस घूम रही है। एक बार पहले इसका फुल चार्ट देख लेते हैं। मेरे पास इसमें ये सिस्टम में 1.5 साल का चार्ट है, तो यहाँ पे देखें तो 50% की बढ़त दी है ये स्टॉक ने, और यही पीरियड में निफ्टी ने अप्रिसिएशन दिया है 29.25% का। तो निफ्टी से तो बेटर परफॉर्मेंस किया है। अभी इसकी एक ये पेनी स्टॉक है, देखिए 8 रुपये से 4 रुपये तक चला गया, 50% डाउन चला गया, जब भी प्राइसेस डाउन थी तभी, लेकिन निफ्टी इतना डाउन नहीं गया था। तो वीकर स्टॉक्स है वो ज़्यादा डाउन जाते हैं जब भी मंदी हो तभी। और यहाँ पे वॉल्यूम्स यहाँ पर हम ज़्यादा देख सकते हैं, पहले इतने वॉल्यूम्स नहीं थे, देखिए काफ़ी कम वॉल्यूम्स थे। यहाँ से इंटरेस्ट होना, ये स्टॉक में इंटरेस्ट आना चालू हो गया और यहाँ से काफ़ी बढ़ गया, वॉल्यूम्स तो अच्छे बढ़े हैं। तो देखिए ये एमएसपी स्टील एंड पावर शेयर होल्डिंग पैटर्न 41.62 प्रमोटर्स के पास है, डीआईए के पास है 31.16%। अभी और कुछ हुआ नहीं है डिफरेंस, देखिए डीआईए ने थोड़ा माल बेचा और वो पब्लिक ने ले लिया, उतना ही वो बेच सके जितना पब्लिक की कैपेसिटी थी लेने की, तो 1.5%। ये भी काफी बड़ा, काफी कई लाख शेयर्स होते हैं बेस्ड ऑन द कैपिटल, वो भी हम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो डीआईएस ने माल बेचा, पब्लिक ने लिया, फिर भी डीए के पास अभी भी 31.16% स्टेक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये जो स्टेक है वो कंपनी लोन नहीं दे पा रही थी, इसलिए लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया था कुछ 3-4 साल पहले, वो स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही, मतलब उन्होंने कंपनी का परफॉर्मेंस देख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है। उनके गले में स्टॉक आ गए, शेयर आ गए, लोन वापस नहीं हो पर लोन के पैसे वापस नहीं चुका रही थी कंपनी, चुका नहीं पा रही थी, इसलिए इसका परफॉर्मेंस देखे 2014 से, तो 2014 में 16.60 रुपये प्राइसिस हुआ करती थी, जो आज भी 10.85 है, यानी कि 1 रुपया अगर किसी ने यहाँ पर डाला तो 2014 में, तो उसमें से 35% तो निकल गया। और वही पीरियड में निफ्टी हुआ है 2.5 टाइम्स, यानी कि 150% का एप्रिसिएशन। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी प्राइसेस अच्छी है, ये मैंने जो भी बातें कही वो देख के अगर किसी को इसमें से निकलना है तो डेफिनेटली निकल सकता है। थैंक यू।